है, वो निश्चित रूप से आज पूरे देश में उन पर चर्चा हो रही है। और अगर अडानी नाम लेना राष्ट्रद्रोह है तो फिर सारे लोग संकट में होंगे। तो उससे तो अच्छा है कि इस देश का नामकरण ही अडानी कर दिया जाए। जो राहुल गांधी ने कहा कि साहब इस देश का मतलब क्या अडानी है, आ रहा था कि आप देश का अपमान कर रहे हैं, तो दे दीजिए, उनके ही हाथ दे दीजिए। खम खम का ये वो होगा, एक और चुनाव होगा, बेहतर यही है। देश में आप घोषित रूप से लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये जो करना चाहते हैं और जिस तरह से करना चाहते हैं, इस देश के डीएनए में उसकी स्वीकार्यता नहीं है। इसीलिए लगातार ये एक्सपोज भी हो रहे हैं और उसका प्रतिरोध भी हो रहा है। आप संसद में अगर माइक बंद कर रहे हैं तो सड़कें गुलजार हो रही हैं। जो कभी लोहिया जी कहते थे कि सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। अब संसद आपने ठप की, संसद बंद की, तो सड़कें गुलजार हैं। और जब सड़कें गुलजार होती हैं तो लोकतंत्र की धड़कन बढ़ जाती है, वो और ज्यादा जीवंत हो जाती है। और यही वजह है कि ये लोकतंत्र की जीवंतता हमें दिख रही है। वो बात अलग है कि उसका लगातार गला घोटा जा रहा है, लेकिन उसकी सांसें अभी हैं और वो बहुत मजबूती से उस जो गले को पकड़ा गया है उसका प्रतिरोध भी किया जा रहा है। इसलिए इतना आसान नहीं है। हां, ये जो काम हो रहा है देश को विभाजित करने का, सांप्रदायिक आधार पर, जातिगत आधार पर, इसके दूरगामी परिणाम जरूर हो सकते हैं। ये जो नफरत पैदा की गई, ये जो आर्थिक असमानता पैदा की गई, इससे देश को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और ये एक चुनाव से नहीं खत्म होने वाला, इसको दशकों लगेंगे इसको पाटने में। और वो पूरा जो कल्चरल मूवमेंट होगा उसके साथ इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों, पूरे नागरिक समाज को चलना होगा। और यह है कि राहुल गांधी जब देश बचाने के लिए और भारत को जोड़ने के लिए निकले थे तो राहुल गांधी अकेले नहीं थे। राहुल गांधी केवल सामान्य लोगों के बीच में नहीं थे, राहुल गांधी के साथ इस देश का बुद्धिजीवी तबका, इस देश के एक्टिविस्ट, रोहित बेमुला की मां और तमाम ऐसे कि जो पैरों से अपंग थे, जो विकलांग थे, इवन जिनको दिखाई नहीं देता था, ऐसी महिलाएं जो लंबी प्रताड़ना से गुजरी, उन्होंने राहुल गांधी में उस उम्मीद को देखा और इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ आए। और मैं इसी के लिए कह रहा हूं कि इसकी धड़कनें बढ़ी हैं और सड़कें गुलजार हुई हैं। इसलिए ये इस लोकतंत्र का आसानी से गला नहीं घोंट सकते। तो जो सड़क पर निकला है आप उसको, उसकी धरपकड़ कीजिए, उसको परेशान कीजिए, उसका बंगला छीन लीजिए, उसको कोर्ट में आप परेशान कीजिए। ये जो हालात बनाए जा रहे हैं कि लोग उम्मीद छोड़ दें और ये सोचे कि जब राहुल गांधी को परेशान किया जा सकता है तो फिर साहब हम क्या बोलें। अभी प्रशांत टंडन जी को मैंने देखा कि वो कहीं अटके, और ये जो खौफ है उस नारे पर भी वो अटके। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर हुई और उनका अटकना एकदम वाजिब है। क्या माहौल बना दिया है। एक पत्रकार अगर 90 के दशक में लगाए गए नारे को नहीं बोल सकता तो फिर आप किस तरह का लोकतंत्र बना रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। और ये ओबीसी की बात नहीं, मैं उसमें एक बात और जोड़ देता हूं। जब बीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को लागू किया तो समर्थन वापस किसने लिया था, किसने कमंडल की राजनीति की शुरुआत की थी और क्यों की थी? क्योंकि इनको तकलीफ यह थी कि इस देश में ओबीसी आरक्षण के जरिए समता और न्याय स्थापित होने जा रहा है। ये आरक्षण का सवाल किसी के साथ अन्याय करने का नहीं या किसी को कमतर करने का नहीं, बल्कि जो पीछे छूट रहे हैं उनको आगे बढ़ा करके, उनका हाथ थाम करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए।
लेकिन ये जो असमानता और अन्याय का मानसिकता रखने वाले लोग, और दुर्भाग्य से वो पूरी विचारधारा वहीं पर है, उन्होंने तो गांधी जी के एसेसिनेशन के उस पूरे संदर्भों को काट दिया। गुजरात में तो एक सवाल ही आया कि गांधी जी ने आत्महत्या कैसे की थी, गुजरात के परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। तो आप इस तरह से देश के इतिहास को बदलेंगे कि गांधी की अब, और इससे लगता है कि जो आरएसएस पर आरोप लगे थे, आरएसएस को जो बैन किया गया था, वो डर आज भी है, भले ही उन्होंने उससे पीछे छुड़ा लिया हो। सावरकर भी पीछे बैठते थे अभियुक्तों में, वो बात अलग है, बाद में बरी हो गए। तो क्या वो डर आज भी उनमें है कि नहीं साहब हमारे ऊपर इल्जाम था, अब उस इल्जाम से हम कैसे बरी होंगे क्योंकि आप रेफरेंस काटते हैं? इससे नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना आप गांधी पर हमला करेंगे, गांधी बार बार उभर करके आते हैं, वो शाहीन बाग से लेकर के किसानों के आंदोलन तक हमने देखा, जिन अंबेडकर को किस तरह से डिफेम किया गया अरुण शौरी तक कि वो थर्ड विजनर थे, वो अछूत थे, उन्होंने संविधान लिखा, उस संविधान को हम नहीं मानते, उन अंबेडकर की तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं केवल वोट बैंक के लिए। क्या इस सच्चाई को और इस ईमानदारी को लोग नहीं देख समझ रहे हैं कि आप बेईमानी कर रहे हैं, आप छल कर रहे हैं, या सच में आप न्याय और समता और बंधुत्व के साथ हैं? तो ये जो विचारधारा है जिस पर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, और एक बात मैं और कह दूं, राहुल गांधी को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं प्रताड़ना ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, उसके पीछे राहुल गांधी का उस आइडियोलॉजी पर हमला है, आरएसएस पर हमला है। तोते की जान कहां बसती है, वहां भी राहुल गांधी हमने हमला किया है, वो सिर्फ अडानी का मामला नहीं है, इसलिए वो तिलमिलाए हुए ज्यादा है, और इसलिए किसी भी तरह से किसी भी किस्म तक जाकर के राहुल गांधी को परेशान करना, उनको डिफेम करना, ये उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन मैं उस पूरे भरोसे के साथ कि इस लोकतंत्र की धड़कने हैं, भले ही उसका गला जकड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो प्रतिरोध और सड़कों का जो गुलजार होना हुआ दिख रहा है, वो इस लोकतंत्र को बचाएगा, क्योंकि इस देश के समाज में, संस्कृति में, उसके डीएनए में वो लोकतंत्र जीवित है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें, और उसमें भी कैसे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।